तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर आने वाले सभी सगाजन को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा, जय गुणवाना, जय बलादेव। मेरा नाम है भरत पंद्राम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल भरत पंद्राम ऑफिशियल। तो जैसा कि मैं सभी सगाजनों को सबसे पहले बता दूं कि यह जो जानकारी है मैंने विकिपीडिया के माध्यम से ली हुई है और यह जानकारी मैं समाज हित के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जो भोजली का त्यौहार होता है उसके बारे में आज अपन कुछ सामान्य जानकारी देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहना जिनको भी यह जानकारी चाहिए। भारत के अनेक प्रांतों में सावन महीने की सप्तमी को छोटी छोटी टोकरियों में मिट्टी डालकर उनमें अन्न के दाने बोए जाते हैं। ये दाने धान, गेहूं, जौ के हो सकते हैं। ब्रज और उसके निकटतम या निकटवर्ती प्रांतों में इसे भुजरिया कहते हैं। इन्हें अलग अलग प्रदेशों में इन्हें फुलरिया, धुदिया, धेंगा और ज्वारा यानी मालवा या भोजली भी कहते हैं। जैसे कि आप फोटो में यह देख सकते हैं। तेजी या रक्षाबंधन के अवसर पर फसल की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इन्हें छोटी टोकरी या गमले में उगाया जाता है। जिस टोकरी या गमले में ये दाने बोए जाते हैं उसे घर के किसी पवित्र स्थान में छायादार जगह में स्थापित किया जाता है। उनमें रोज पानी दिया जाता है और देखभाल की जाती है। दाने धीरे धीरे पौधे बनकर बढ़ते हैं। महिलाएं उसकी पूजा करती हैं एवं जिस प्रकार देवी के सम्मान में देवी गीतों को गाकर ज्वारा जस सेवा गीत गाया जाता है, ठीक उसी तरह भोजली दाई यानी देवी के सम्मान में भोजली सेवा गीत गाया जाता है। सामूहिक स्वर में गाए जाने वाले भोजली गीत छत्तीसगढ़ की शान है। खेतों में इस समय धान की बुआई व प्रारंभिक निराई गुड़ाई का काम समापन की ओर होता है। किसानों की लड़कियां अच्छी वर्षा एवं भरपूर भंडार देने वाली फसल की कामना करते हुए फसल के प्रतीकात्मक रूप से भोजली का आयोजन करती हैं। सावन की पूर्णिमा तक इनमें 4 से 6 इंच तक के पौधे निकल आते हैं। रक्षाबंधन की पूजा में इसको भी पूजा जाता है और धान के कुछ हरे पौधे भाई को दिए जाते हैं या उसके कानों में लगाए जाते हैं। भोजली नई फसल की प्रतीक होती है और इसे रक्षाबंधन के दूसरे दिन विसर्जित करते हैं या फिर किया जाता है। नदी, तालाब और सागर में भोजली को विसर्जित करते हैं करते हुए अच्छी फसल की कामना की जाती है। तो यह थी कुछ सामान्य सी जानकारी जो कि मैंने विकिपीडिया के माध्यम से दी हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार। जय सेवा, जय गुणवाना, जय बड़ा देव।